देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता था क्योंकि आज अफजाल अंसारी पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, बसपा से सांसद हैं और सभी का कहना था कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो अफजाल अंसारी की सदस्यता चली जाएगी, संसद नहीं रहेंगे। वही हुआ। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में लिखा गया था, उस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 2 घटनाओं का जिक्र था, एक कृष्णानंद राय हत्याकांड और दूसरा वाराणसी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड का अपहरण और हत्याकांड था। इन दोनों ही मामलों के साथ ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2007 में लिखा गया था, इसमें बहस पूरी हो चुकी थी। फैसले के लिए भी तारीख 2 बार बदली जा चुकी थी और आज फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने कह दिया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा और उसी में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा था। उसके बाद अफजाल अंसारी खुद पहुँचे हुए थे। मुख्तार अंसारी को सबसे पहले सज़ा सुनाई गई, 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है गैंगस्टर एक्ट में, किसी को भी इससे ज़्यादा सज़ा सुनाई नहीं जा सकती, यानी मुख्तार अंसारी को मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें दिया गया। लेकिन अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा, 4 साल की सज़ा इसलिए दी गई, इसमें वजह थी कि अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा तो था, लेकिन जो 2 अन्य केसेस जिनका बैकग्राउंड दिया गया, नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड, तो नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड में अफजाल अंसारी कहीं से आरोपी नहीं थे। उनके ऊपर जो बैकग्राउंड में जो केस था वो था सिर्फ कृष्णानंद राय हत्याकांड का। यही वजह थी कि उनको 4 साल की सज़ा का ऐलान किया गया, 4 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना। लेकिन इसका पॉलिटिकल इफेक्ट अफजाल अंसारी के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा। 4 साल की सज़ा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय हो गई है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा की अगर सदस्यता अगर सज़ा सुनाई जाती है तो उसको उसकी सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी इसका उदाहरण है, तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के इस गैंगस्टर एक्ट के फैसले के बाद अतीक अहमद, प्रयागराज में अतीक अहमद के परिवार के बाद अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार हो गया है जिसमें तमाम लोग या तो जेल में हैं या जो जेल से बाहर हैं तो उनकी तलाश पुलिस कर रही है। अतीक अहमद का हम जानते हैं, दुनिया जानते हैं, लेकिन अब मुख्तार अंसारी या अंसारी ब्रदर्स की बात करें, अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल में, मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी जो विधायक है वो कासगंज जेल में, अब्बास अंसारी की पत्नी चित्रकूट जेल में, अब्बास अंसारी का छोटा भाई यानी मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी उसकी तलाश की जा रही है, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी 50,000 की इनामी उसकी तलाश की जा रही है, यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटा और पत्नी तलाश की जा रही है, वो फरार हैं और जो बाकी लोग हैं, भाई है, बेटा है, बहू है और वो खुद वो जेल में है। तो अतीक अहमद के बाद अंसारी ब्रदर्स का ये हाल उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज जो फैसला आया है इसमें गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा था जिसमें 2 केसेस का जब मैंने जिक्र किया ये बैकग्राउंड में थे, और उसके बाद आज जो गाजीपुर की MP MLA कोर्ट थी उसने अपना फैसला सुनाया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें 3 आरोपी थे, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल। एजाजुल इनके बहनोई थे जिनकी डेथ हो गई है।